हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में चिल्ली प्लांट में लीफ कर्ल प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को किस तरह हम अपने पौधे को बचा सकते हैं लीफ कर्ल प्रॉब्लम से। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीफ कर्ल प्रॉब्लम, मरोड़िया रोग, पत्तों का मुड़ जाना हमारे मिर्चों के प्लांट पे और टमाटर के प्लांट पे आता क्यों है और ये इसकी रीज़न क्या है। लीफ कर्ल प्रॉब्लम की कई वजूहात हैं। ज़्यादा पानी दे देना, ज़्यादा धूप मिल जाना, बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी लीफ कर्ल प्रॉब्लम आती है और कीड़ों के अनुसार भी ये लीफ कर्ल प्रॉब्लम आती है, यानी कि एफिड्स, वाइट फ्लाई, माइट्स, ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, बाज़ औक़ात ये पत्तों के पीछे जाके अंडे दे देते हैं और पत्तों के पीछे बैठ के रस चूसने लगते हैं हमारे पौधे का, तो वो पत्ते हमारे मुड़ जाते हैं, चाहे वो नीचे की तरफ मुड़े चाहे वो ऊपर की तरफ मुड़े। लीफ कर्ल प्रॉब्लम आ जाए पौधे में तो पौधा समझ लें आप बीमार हो गया है। इसके जितने भी फल लगे हुए हैं वो छोटे रहेंगे, सड़ जाएंगे और इनके जो नए जो आने वाले फल हैं वो सूख के गिर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने चिली प्लांट को, पेपर प्लांट को, मिर्चों के पौधे को आपने जिस भी गमले में लगाया हुआ है, चाहे प्लास्टिक के गमले में है, चाहे टेराकोटा पॉट में है, चाहे है आपने इसमें ग्रो बैग में लगाया हुआ है या फिर बोरी में लगाया हुआ है, किसी या प्लास्टिक की थैली में लगाया, किसी भी किस्म की चीज़ में आपने अपने पौधे को लगाया हुआ है, उसमें जब तक कि 2 इंच की मिट्टी खुश्क ना हो जाए आप चेक करें और एक रूटीन बना लें। 1 हफ्ते में आप चेक करके अपने सारे पौधों की रूटीन समझ जाएंगे कि कौन सा पौधा कितना पानी मांग रहा है और कब मांग रहा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार पानी मांगते हैं, कुछ पौधे रोज़ाना सूख जाते हैं पौधों की ज़मीन जो होती है, तो उस हिसाब से आप इसको पानी लगाएं। इसके अलावा आप अपने पौधे को सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचाएं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इस पर डायरेक्ट पड़ रही है 4-5 घंटे की, 6 घंटे की या 8 घंटे की, तो आप इसके ऊपर एक छपरा डाल दें, एक शेड का बंदोबस्त कर दें। इसके अलावा अगर इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और पाला पड़ रहा है, यानी कि ओस गिर रही है आसमान से, तो उसमें भी आप इसको कवर कर दें। दोस्तों, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपने अपने पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया, यानी कि ज़्यादा खाद दे दी और आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिर्चें आ जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपका पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी आपका पौधा मर सकता है, तो आप फर्टिलाइज़र को भी कम कम मात्रा में दें। जब आपके पौधे पर फूल आने लगें तो आप पानी की मकदार कम कर दें, यानी कि जब तक मिट्टी खुश नहीं होती पानी ना लगाएं। दोस्तों, ये बीमारी बहुत सारे कीड़ों की वजह से आती है, एफिड, सिर्फ माइट्स और वाइट फ्लाई, इन सब छोटे छोटे ये कीड़े हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते। हम इस तरह देखेंगे तो हमें कभी भी ये नज़र नहीं आएंगे, ये खुशबीन से नज़र आते हैं, मुनासिब अच्छे से इसको शायद देखा जा सकता है। तो आप अगर ये लीफ कर्ल प्रॉब्लम आपके प्लांट पे आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लें, ये एक अजीब सा कीड़ा है, शायद छोटा वाला टिड्डा है, बरसात के बाद जो टिड्डे निकलते हैं आई थिंक शायद ये वो है, लेकिन ये बहुत, इसकी जो स्किन है बहुत सख्त है और ये इस तरह चिपका हुआ है हमारे डंडी पे, ये मैं देखें एक तिनके से इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एकदम सख्त होके पकड़ा हुआ है पूरी डंडी को, पत्ते को। तो इस तरह के भी कीड़ा अगर आप देखें तो इनको आप स्टिक की मदद से हटा दें और इनको मार दें, क्योंकि ऐसे कीड़े आपके पौधे पे लाजमी है, घना पौधा है तो कहीं भी बैठ जाएंगे और अपने अंडे वगैरह दे देंगे और इसको डैमेज कर देंगे। लीफ कर्ल प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप अपने सारे पत्ते, जो भी आपके मुड़े हुए पत्ते हैं वो आप वहाँ से कट कर दें और बाकी सारे पत्तों पे आप एक दिन में 2 या 3 दफ़ा कम से कम नीम ऑयल स्प्रे करें, या कोई भी अच्छी आप दवा ले लें नर्सरी से जाके, उनको बताएं कि भाई हमारा ये पौधा है मिर्चों का, आपके इलाके में जो भी अच्छी दवा आपके पौधे के लिए अवेलेबल हो वो आप लेके और उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में उनसे पूछ लें नर्सरी वालों से, और उस तरह आप उस पर स्प्रे करें। कम से कम 1 दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसको स्प्रे करें। दोस्तों, ये जितनी भी आप कटिंग कर रहे हैं अपने लीफ कर्ल प्रॉब्लम के पत्तों के, यानी कि मरोड़िया रोग के मुड़े हुए पत्तों को आप अगर हटा रहे हैं कैंची से, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो उसी गमले में ना गिर जाएं, बल्कि आप इसको हटा दें अपने सभी गमलों में से और किसी में भी आप इस
पत्तों को एज ए खाद आप इसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें, या तो जला दें या फिर दूर ले जा के फेंक दें अपने घर से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने पौधों का और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो गार्डनिंग करते हैं या करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।